नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। हम आपको दो तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से रामपुरा में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच अगर बात करें जलभराव और जो निचली बस्तियां हैं वहां पर लगातार घरों के सामने पानी तेजी से बहता हुआ दिख रहा है, जैसा लग रहा है जैसे बाढ़ रामपुरा में आ गई हो। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक बड़ी लापरवाही वन विभाग और जिस तरीके से चीता प्रोजेक्ट को लेकर पूनो नेशनल पार्क के बाद यहाँ पर एक बड़ी सौगात नीमच को मिलनी थी, रामपुरा को मिलनी थी। गांधी सागर अभ्यारण्य को लेकर जो है 30 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया जा रहा था और इससे पहले अगर बात करें तो पहली बारिश में जो बाड़े बनाए जा रहे थे, बाड़ों में जो इंगले लगाकर जो जालियां लगाई जा रही थी वो बहती हुई दिखी, टूटती हुई दिखी। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से वनकर्मी उन वापस बाड़ों के जो लगाई जा रही जालियां खड़े करते हुए देखे जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बड़ी लापरवाही आपको बता रहे हैं, घटिया निर्माण कहा जा सकता है किस तरीके से बड़ी चूक यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट में जो जालियां लगाई जा रही है उसे लेकर की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार रामपुरा में पानी बरस रहा है। पानी बरसने के साथ साथ जो है बड़ी लापरवाही यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट में देखने को मिली। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की जानकारी के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।